दोस्तों, आज के हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप अपना गूगल मैप में अपना घर का नाम या कह लीजिए दुकान का नाम या अपार्टमेंट में जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं या किसी भी तरह का चीज़ आप अगर आपके पास ऑफिस खोले हुए हैं तो उसका नाम चाहते हैं कि गूगल मैप में अपना नाम डाल दें तो आप कैसे डाल सकते हैं, वो आज की वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सही जानकारी आपको देखने को मिलेगी और आप खुद से अपना अपार्टमेंट, घर, ऑफिस कुछ भी है वो आप डाल सकेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले आना है गूगल की मैप में, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए गूगल की मैप में चले आएंगे, मैप को ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने से पहले बता दूँ कि आप अपना ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने में यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का सिंबल खोलेंगे, यहाँ पे ऐड प्लेस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐड प्लेस करेंगे, ठीक है। प्लस के सिंबल से ऐड प्लेस पर जाएंगे, ऐड प्लेस पर जाने के बाद आपका ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस का नाम डालना है, जहाँ जैसे कि मैं अभी जानकी निवास में रहता हूँ तो मेरा अपार्टमेंट है, तो मैं अब अपना अपार्टमेंट का नाम यहाँ पे इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है वो आपको चॉइस करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा अपार्टमेंट है तो बिल्डिंग है, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस शो करना है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा जो गोला से एरो देख रहे हैं वो GPS जैसा लोकेशन है, ठीक है, इसे हम GPS बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और नहीं तो इस GPS लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉइंट, जैसे आप कोई भी लोकेशन दिखाता है तो आप देखेंगे वहाँ पे पॉइंट देता है, ठीक है, जिससे आप उस जगह को सेट कर पाएंगे। तो हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जयप्रकाश नगर डाला, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि हम यहीं पर हैं तो आप इसे हटा के आप अपने GPS लोकेशन से ट्रैक कर ले ताकि आपका एग्जैक्ट चीज़ पता चल जाए। तो हम इसे हटा के यहाँ पे GPS वाला जो रेड कलर का गोला सा सिंबल आप देख रहे हैं उस पर हम क्लिक करेंगे, ये आपको चॉइस लोकेशन ऑन मैप ले जाएगा। अब ये देखिए ये एरो है, रेड कलर का आप एरो है, जहाँ हम इसको ले जाएंगे वहाँ, जैसे कि आपको जहाँ आप मान लीजिए आपका ऑफिस दुकान है उसे जहाँ सेट कर देंगे उसी लोकेशन पर आपका नाम एड्रेस शो करेगा और वो बंदा, कोई भी बंदा आपके जगह पर पहुँच जाएगा। तो हम इसे ले जाएंगे उस जहाँ पे मेरा अपार्टमेंट है। तो ऐसे अगर हम खोजेंगे तो खोजते रह जाएंगे। आप नीचे में ऑप्शन देखेंगे, GPS का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, मैंने तो लाइव लोकेशन में जहाँ हूँ वहीं से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे खोजें तो आप मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आप ये GPS लोकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जगह पर वो जो आपको रेड कलर का एरो है दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्ट चला जाएगा। देखिए अभी मैंने इस पर क्लिक किया, वो मेरे घर के एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, लाइव लोकेशन पे लेके चलाया, ठीक है। अब ये इसी पॉइंट पे मेरा अपार्टमेंट है तो हम इसी पॉइंट पे अपना अपार्टमेंट का नाम शो करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे हम इंटर कर लेंगे उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, पहले यहाँ पे ये ऑप्शन कुछ और दिखा रहा था, अभी देखिए कौटिल्य नगर शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे कौटिल्य नगर शो कर रहा है तो यानी ये कौटिल्य नगर यहाँ पे लिखाएगा। इससे पहले हमने जो डाला जयप्रकाश नगर तो वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था। अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं रहेगा तो बंदा आपके पास नहीं पहुंच पाएगा, कहीं और चला जाएगा अगर आप खोजना भी चाहेगा तो। तो यहाँ पे हम कौटिल्य नगर डाल देंगे ताकि कोई बंदा खोजेगा तो इजीली हमको खोज पाएगा, तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौटिल्य नगर यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखेंगे पूरा समझ पाएंगे, नहीं तो अगर बीच में छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल वीडियो समझ में नहीं आएगी और आप मैप में अपना ऑफिस या अपार्टमेंट या किसी भी तरह घर का नाम नहीं ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना कौटिल्य नगर यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम। कौटिल्य नगर हमने यहाँ पे डाल दिया है। डाल देने के बाद आपका ये जो है सारा कुछ जो भी मांगा वो हमने सही से डाल दिया। आप सही नहीं डालेंगे तो बंदा आपके पास चाकर भी नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद आपको लाइव लोकेशन भी दिखाएंगे कि कैसे मैंने किया, मेरा ये मैप में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। ये सारा कुछ कर देने के बाद आपको नीचे में चले आना है। आप यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है जो आपको यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कौटिल्य नगर तो आपने डाल दिया, उसके बाद आप अपने हिसाब से लोकेट कर सकते हैं कस्टमर, जो भी बंदा पहुंचेगा तो एग्जैक्ट जयप्रकाश नगर या उसके नियरेस्ट में जो भी आपके अगल बगल है
एजी कॉलोनी या जो भी है वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो नियरेस्ट में जो भी, जैसे कि मेरे बगल में से मेरा अपार्टमेंट है उसमें दुर्गा जी का मंदिर है, तो हम दुर्गा जी का मंदिर यहाँ पे डाल देंगे, ताकि जो भी बंदा अगर नियरेस्ट में खोजेगा तो दुर्गा जी का मंदिर उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने दुर्गा जी का मंदिर डाल दिया, अब भी अगर नियरेस्ट में होगा कुछ भी नज़दीक तो वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे ऐड कर देने के बाद हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब इजी है वो करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जो ऑप्शन है यहाँ पे बैक करके आप चेक भी कर सकते हैं कुछ अगर डिटेल छूटी हो तो। सबमिट यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट कर देंगे हम। अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐड योर डिटेल्स में जाके ऐड कर सकते थे। अब यहाँ पे हमने 15 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन ऐसे आ गए हैं, अब हमने इसे स्टार अपनी तरफ से दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं कुछ लिखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपना अपार्टमेंट का, जो मैंने अपार्टमेंट डाला तो मैंने यहाँ पे अपार्टमेंट का फ़ोटो भी खींच कर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड द फ़ोटो। तो यहाँ पे ऐड फ़ोटो हम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इसमें अपार्टमेंट का फ़ोटो नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने वेरी गुड प्लेस लिख दिया है, ठीक है। और इसे हम सबमिट कर दिए हैं, ठीक है। अभी देखिए ये मेरा हो गया लेवल 2 लोकल, अब ये हो गया है। ये आपका जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप सोचेंगे गूगल मैप में जाके तुरंत सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको मिलेगा भी, ये तुरंत नहीं मिलेगा, बाद में अपडेट लेगा, तो 1 से 2 दिन 3 दिन बाद आप उसे चेक करेंगे तो आपका शो करेगा। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि मेरा गूगल मैप में वो चीज़ शो कर रहा है या नहीं। तो हम चले जाते हैं आप गूगल की मैप में, ठीक है। ये रहा गूगल का मैप, हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सर्च का ऑप्शन है। अगर कोई बंदा मेरा घर सर्च करना चाहता है, मैंने बोला कि जानकी निवास मेरा घर है, आप गूगल प्लेस में गूगल मैप में सर्च कर लीजिए, कौटिल्य नगर सर्च कीजिएगा आ जाएगा। तो यहाँ हमने डाला जानकी निवास, देखिए कौटिल्य नगर जानकी निवास, ठीक है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप साइड में आप देख रहे होंगे कि रोहित राय करके भी नाम आ रहा है, तो मैंने अपना भी नाम यहाँ पे डाला था, इसलिए यहाँ पे रोहित नाम भी आ गया है, ठीक है। तो आप उसी चीज़ को डालें जो सही चीज़ है। यहाँ पे मैंने डालने की कोशिश किया कि चेक कर रहा था उस समय, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन आप सही चीज़ डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि रिसेंटली व्यू, ठीक है, ये अभी नया इसमें आया है जानकी निवास, पहले नहीं था। मेरा अपार्टमेंट जब भी हम देखते थे मैप में तो अगल बगल जितने भी अपार्टमेंट थे वो सारे अपार्टमेंट आते थे, लेकिन मेरे अपार्टमेंट का नाम इसमें नहीं दिखाता था। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देते हैं ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जानकी निवास आ गया है, शो भी करा है, रेड मार्क में है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन दे देते हैं तो अभी आप देख पाएंगे कि ये जानकी निवास पूरा पूरा डिटेल्स में आ गया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप मैप में अपना नाम वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग में हम ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे एंट्री होते हैं वो ये दिखा रहा है, ठीक है। हम कहाँ पे वो दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम हैं, हाँ। और GPS लोकेशन में हम देखिए ये रहा, अभी हम यहाँ पे हैं, इस डायरेक्शन में हैं, हाँ। और मैंने एड्रेस यहाँ का डाला है और हम इसे जूम करके दिखा दिए आपको। देखिए आ गया, अभी आप देख पाएंगे, क्लियर देख पाएंगे। ये देखिए जानकी निवास आ गया, जैसा जैसा सारा नाम आ रहा था धीरे धीरे। पहले इससे पहले देखेंगे कि रेड कलर का आ रहा था, अभी देखिए ये थोड़ा थोड़ा अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे लोग इसको जानने लगेंगे, जैसे बहुत लोग जानते हैं इसे सर्च करते हैं तो उनको लगता है गूगल मैप को कि हाँ बंदा सही कुछ डाला है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे आपको रेड मार्क से बाहर कर देता है। तो अभी मैं रेड मार्क से ये नाम बाहर आ चुका है, तो इससे ये होती होगा कि ये फिक्स हो गया, ये नाम इसमें ऐड हो गया। तो आप इस तरह से अपना घर का नाम ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह से हमारे वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आने वाले वीडियो का इंतजार इंतजार कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें जो भी आपको जानकारी चाहिए।